गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं जितेंद्र बेनीवाल फ्रॉम HGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुडल। क्लास जो प्लस वन में सब्जेक्ट मैथ में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट्स। डेफिनेशन है उसकी, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सभी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका कलेक्शन यानी कि इकट्ठा करके एक सेट बनाया जाता है। एग्जांपल दी सेट ऑफ स्कूल इन दिल्ली, जो इसका भी सेट बनाया जाएगा। एंड द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर हैं उनको इकट्ठा करके एक सेट बनाया जाएगा। इसमें तमाम सेट दिए हुए हैं और भी हैं, जैसे कि फाइनाइट सेट। इफ़ ए एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स आर फाइनाइट इन नंबर, यानी कि जो सेट नंबर में फिक्स हों, जिनका हमको लास्ट स्टेज मालूम हो, वो सेट अपने फाइनाइट सेट होता है। एग्जांपल 1, 3, 9, 27 ये अपना फाइनाइट सेट है। एंड 1, 5, 25, 125 एक्सेट्रा इनफाइनाइट सेट। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर, यानी कि फाइनाइट सेट के हिसाब से ही वो तो नंबर में फिक्स हैं और ये नंबर में फिक्स नहीं है, यानी कि लास्ट स्टेज इसकी नहीं पता हमको, इनफाइनाइट होती है। एग्जांपल नेचुरल नंबर, देखो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, लेकिन लास्ट स्टेज की नहीं पता कि कहाँ तक चलता रहेगा, तो ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट। होल नंबर, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट स्टेज की नहीं पता होती, इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से चलता रहेगा, तो ये अपना कौन सा हो गया? इनफाइनाइट सेट। नाउ सिंगलटन सेट, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट, जिस सेट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि 10 अकेला है, ब्रैकेट्स लगा पड़ा है, उसके अंदर में कौन सा कितने एलिमेंट हैं? ओनली वन, इसलिए यह सेट सिंगलटन सेट है। एंड द सेट ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि उसका सेट बनाना है हमको कि प्राइम मिनिस्टर वुमेन कितनी हुई हैं, एक ही हुई थी, वो है मिसेज इंदिरा गांधी, तो इस सेट का भी किस क्या कहेंगे हम? सिंगलटन सेट। आगे है अपना एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी मींस होता खाली, आप सभी जानते हैं। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट एंड इट्स डिनोटेड बाय सिंबल फाई, यानी कि एम्प्टी सेट की डेफिनेशन सीधी सी बन जाती है, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं और उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 9 और 10, आप देख सकते हो 9 और 10 के बीच में कोई नेचुरल नंबर कोई भी नहीं है। यदि यहाँ पर 9 और 11 होता तो 10 आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है 9 और 10 के बीच में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट। इसी तरह से इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, इसमें क्या होंगे? दो सेट होंगे ए और बी, उनको हम मान लेते हैं। इफ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, प्रत्येक एलिमेंट किसका? सेट ए का, इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बी सेट के अंदर हो, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, प्रत्येक सेट किसका? बी का, इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए के अंदर हो, यानी कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए और सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के अंदर होने चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट। एग्जांपल जैसे देखो 3, 7, 9 इसको हम ए मान लेते हैं,
तो बी के अंदर भी 3, 7, 9 है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एलिमेंट वही होने चाहिए। इसी तरह से 1, 2, 5 है तो इधर भी 1, 2, 5 है, ये आगे पीछे हैं डिजिट, इससे कोई फ़र्क नहीं है किस में, इक्वल साइड में। तो और भी सारे बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे इस तरह से। आगे है इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, इसमें भी दो सेट थे, इसमें भी दो ही सेट हैं ए और बी। इफ यदि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि अब उसमें क्या था कि एलिमेंट होने चाहिए इक्वल दोनों में, जैसे कि इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, इधर 7 है तो इधर भी 7 होना चाहिए, 9 है तो 9 होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या है, उसमें नंबर ऑफ यानी कि उसकी काउंटिंग करके जितना सेट ए के अंदर एलिमेंट होंगे उतने ही सेट बी के अंदर होने चाहिए, तो ये बनता है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू अपना 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी, देखो ये तो है अपनी काउंटिंग, ये अपने क्या अल्फाबेट, तो लेकिन इसमें भी नंबर ऑफ ए काउंट करो 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2, 3, तो यानी कि ये अपने कौन से बन जाएंगे, अपने इक्विवेलेंट सेट। नोट, नेचुरल नंबर जो है उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और रियल नंबर को कैपिटल आर से, यानी कि हैं सारे के सारे कैपिटल्स वर्ड्स।